herbal medicine prepared for the 18 years female patient who is suffering with the irregular menses from the last 1 year. हमारे यहाँ 18 साल की लड़की है जिसको कि एक साल से मासिक इरेगुलर हो गया है. कभी ये 2-3 महीने में आता है, कभी तो 5-6 महीने में भी आता है. इसके वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो चुका है और ओबेसिटी, वेट बहुत बढ़ रहा है. हेयर फॉल ऐसे पेशेंट में कॉमन रहता है. अगर इसके मेडिसिन टाइम पे नहीं ली गई तो मोस्टली इसमें हिर्सुटिज्म पाया जाता है. दैट मीन्स दाढ़ी मुझे फीमेल पेशेंट में उगाती हैं. और हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, आवाज़ ख़राब होने लगता है. और चिड़चिड़ापन, घबराहट और थकान, पाल्पिटेशन और ओवर स्वेटिंग, पसीना बहुत आना, रात को नींद ना आना, ये सब कॉम्प्लेंट्स फीमेल पेशेंट में पाई जाती हैं. सोनोग्राफी में पाया जाता है कि इन ऐसे पेशेंट में मोस्टली पीसीओडी, बायलैटरल पीसीओडी, पानी की गठाने अंडाशय में फॉर्म हो जाती है और इसके वजह से मासिक इरेगुलर हो जाता है और बीज भी नहीं बन पाता है. इसीलिए हम ऐसे पेशेंट में पेरेंट्स को अलर्ट करके रखते हैं कि आप अपने बच्चों की ट्रीटमेंट करके रखिए. नहीं तो जब भी ये 3-5 ईयर्स के बाद आफ्टर मैरिज ये फीमेल पेशेंट इनफर्टिलिटी में जाते हैं. तो ऐसे सब डिसीजेस के बच्चों को बचाने के लिए हर्बल मेडिसिन बेस्ट रहती है. हर बार आपको हार्मोनल टैबलेट्स या इंजेक्टेबल्स लेके पीरियड्स लेकर आने की बिल्कुल नहीं ज़रूरत रहती है. और यंगस्टर्स में तो हार्मोनल टैबलेट्स बिल्कुल नहीं यूज़ करनी चाहिए. ये सब लाइफ सेविंग ड्रग है लेकिन इसके थोड़े साइड इफ़ेक्ट पाए जाते हैं. इसके लिए आप हर्बल मेडिसिन से भी आपके बच्चों को क्योर कर सकते हैं. ऐसे बच्चों को 11 से 15 दिन का पंचकर्म दिया जाता है. नस्यम शिरोधारा दी जाती है और स्नेहन स्वेदन के बाद बस्ती ट्रीटमेंट, एनिमा ट्रीटमेंट दी जाती है, जिससे 1-3 मंथ्स में ओवेरियन सिस्ट, अंडाशय की गठाने गायब हो जाती हैं, कंप्लीटली क्योर हो जाती है. और मेडिसिन 1-3 मंथ्स और 6 मंथ तक कंटिन्यूसली लेने से लाइफ लॉन्ग पेशेंट क्योर हो जाते हैं.